अस्सलाम वालेकुम, बिज़नेस विद आबिद में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का ब्रेकफास्ट एक बहुत ही अच्छे मेहमान के साथ, हमारे प्यारे दोस्त हैदराबाद से आए मेहमान शरीफ भाई के साथ। हैदराबाद से आए मेहमान शरीफ भाई हमारे साथ नाश्ता करेंगे आज सुबह सुबह, देसी नाश्ता। चीज़ें मैंने दिखा दी हैं आपको, बड़े गौर से देख रही है। मक्खन पड़ा, अंडा, अचार, लस्सी। अड्डे में मौजूद ये पॉइंट देसी नाश्ते का अपना ही मज़ा देता है। तो बाहर से आए मेहमान दोस्त ड्राइवर हजरात इस नाश्ते को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें चाटी की लस्सी, शक्कर, मक्खन, अचार और चटनी और बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। ख़ास बात इसमें चाटी की लस्सी और पराठा, पराठे से मुख्तलिफ शेप बहुत ही अच्छे अंदाज से बनाई गई है। तो भाई तैयार कर रहा है पराठा, जो के दूर से आए ड्राइवर हजरात बड़ी खुश असलबी से इसे पसंद करते हैं, क्योंकि घर में जाने का टाइम नहीं और ना ही घर से ला सकते हैं। ये बड़ी देर से पॉइंट टाइम है अरुणाबाद में, तो अड्डे में अंदर की तरफ इंटर होते हैं, कारवां स्टैंड के बिल्कुल साथ ही ये नाश्ते का पॉइंट है। ये भाई नाश्ता ले गर्म गर्म तो रखा। ये लोकेशन देख रहे हैं उसकी, ये लस्सी आ गई, अंडा आ गया और मक्खन, शक्कर इसके साथ। ये देखें लस्सी, बड़ी प्यारी लस्सी थी, बिल्कुल जैका घर जैसा। अंडे, लस्सी का जैकेट, ये लस्सी भी दिखा रही है, आ रही आ रही आ रही। ये चटनी, अचार पड़ा, सबस चटनी की थोड़ी सी ना इस तरफ से, पराठे की अपनी तो कौन है। ये गोल पराठा सादा, भाई शरीफ को ये चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए वो हमें भी साथ ले आए यहाँ पे। एक बार ज़रूर आए, आप भी ट्राई करें। ये पराठा भाई शरीफ को बहुत पसंद है। वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।